फिरोजपुर प्रशासन द्वारा सरहद के साथ लगते गांव के 102 स्कूलों में आरओ सिस्टम लगाने थे, लेकिन प्रशासन की ढीली और लेट लतीफी के चलते अभी तक ये आरओ सिस्टम नहीं लग पाए हैं, जिससे अभी भी बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं इस संबंध में गांव गट्टी राज्यों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ फैक्ट्रियों का झीला पानी सतलुज दरिया में फेंका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कसूर शहर के अंदर चमड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का पानी भारत की ओर बहती सतलुज में बड़ी तादाद में फेंका जा रहा है, जिससे ये सतलुज का दरिया पूरी तरह से जहरीला हो चुका है और ये पानी सतलुज के साथ लगते गांव के लोगों के लिए भयंकर बीमारियों का कारण बना हुआ है। स्कूलों में अभी तक आरओ सिस्टम नहीं लगे हैं और उनके स्कूल में 3 आरओ सिस्टम लगे हैं जो एनजीओ और बीएसएफ सहित डिप्टी कमिश्नर द्वारा लगाए गए। उन्होंने कहा कि सरहद और स्कूल के साथ लगते बाकी के स्कूलों में भी जल्द आरओ सिस्टम लगने चाहिए ताकि बच्चों को स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि पानी का निचला स्तर खराब है और पीने योग्य नहीं है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गट्टी राज्यों के जो कि बिल्कुल हिंद पाक सरहद के उपर सतलुज दरिया के कंडे के उपर स्थित स्कूल है। इस स्कूल दे विच सरहदी खेत्र के 14 पिंड 650 तो वध विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन जदों मैं इस स्कूल दे विच बतौर प्रिंसीपल ज्वाइन किया तो मैं इस इलाके दे विच इस स्कूल दे विच जिहड़ी सब तो वड्डी समस्या है वह पानी की नज़र आई। पानी की समस्या जिहड़ी है वह इस एरिए दे विच इन्नी गंभीर समस्या है कि जिहड़ा पीण वाला पानी है इत्थे वो बच्चों नूं जिथे इन्हां दी प्यास बुझा रहा है उत्थे अनेकां जिहड़ियां ने बीमारियां ने जिहड़ियां वो पैदा कर रहे हैं। तो मन्निया जावे कि जिहड़ा इत्थों दा पानी है वो क्यों गंदा क्यों हैगा, इन्ना जिहड़ा उहदा टीडीएस दी मात्रा जिहड़ी काफ़ी ज़्यादा है, सैंपल भी फेल आए हैं। देखो ये जिहड़ा सरहदी खेत्र है ये सतलुज दरिया के कंडे के उपर है, सतलुज दरिया का जिहड़ा पानी है वो बेहद प्रदूषित जिहड़ा वो हो चुके है, जिथे साडे देश दे वख वख उद्योगों का पानी सीवरेज का पानी इन्दे च आन दा शंका है। उस दे विच सब तो वध ये जो दरिया पाकिस्तान वाली साइड ते जांदा है तां कसूर दे जिहड़ी टैनरीज है उनका कैमिकल युक्त पानी जो सारा इत्थे पैंदा है तां वह जिहड़ा पानी इत्थे धरती दे विच जो आंदा है तां उस पानी की जिहड़ा कोई सही योग प्रबंध ना होण करके वह वाला पानी बच्चे पीण दे लई मजबूर ने। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 102 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਓ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਰ ਓ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 8 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਰ ਓ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰ ਓ ਜਿਹੜਾ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਆਰ ਓ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰ ਓ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀ 105 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਾਤਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਸਕੂਲ ਵੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦ SDM ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਓ ਸਤਲੁਜ ਕੇ ਤਟ ਪਰ ਬਸੇ ਗਾਓ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਜੋ ਫੇਲ ਆਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ तथा जल्दी आर ओ लगवाए जाएंगे। हमने सैंपलिंग करवाई थी जो कि पानी कंटामिनेटेड होके आता है पाकिस्तान से, उसके सैंपल फेल आए हैं। हमने उसके लिए 75 लाख रुपीस की जो है अमाउंट रिलीज़ करी है, जल्दी टेंडर करवा के हम डीप बोरवेल करवाएंगे और उस पर आर ओ लगवाएंगे ताकि लोगों का सेहत ठीक रह सके। कितने टोटल आर ओ लगेंगे? जितने गाँव में जितनी डिमांड होगी पंचायत से लेके हम। जागती लाइट के लिए फिरोजपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट।